सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे बताना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर साफ कहते हैं कि हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और अपने आप को ऐसा साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा परमेश्वर का दास हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रार्थना कर लेता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ है। लेकिन बाइबल साफ बताती है कि ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं, अर्थात उनका प्रार्थना करना व्यर्थ है, क्योंकि हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए प्रभु हमें बताता है कि हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। 6वीं आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपनी द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, अर्थात हमें अपने कोठरी में, हमें एकांत में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा प्रार्थना केवल हमारे प्रभु को ग्रहण योग्य होना चाहिए। ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी बातें हैं, आप केवल प्रभु के सामने रखिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा।